आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। गांधी चौक पर चाय में थूकने के बाद चाय परोसने का वीडियो वायरल होने के बाद जगह जगह इसकी कड़ी निंदा की जा रही है। वहीं आज भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल और अन्य संगठनों द्वारा इसको लेकर एसडीएम को ज्ञापन प्रेषित किया गया है। वहीं शहर में सत्यापन की भी मांग की गई है। अक्सर बाहर से आकर लोग यहां पर व्यापार करते हैं जिनका सत्यापन नहीं होता है। इसके बाद ऐसे मामले सामने आते हैं जिसमें पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं। लाइब्रेरी चौक पर चाय की ठेली लगने वाले एक व्यक्ति द्वारा चाय में थूक कर एक पर्यटक को चाय दी गई। विरोध करने पर उसके द्वारा धमकी भी दी गई। इसके बाद यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया। विभिन्न संगठनों द्वारा मसूरी में सत्यापन को लेकर आज कचहरी परिसर में और जिलाधिकारी को ज्ञापन परिचित किया गया। इस दौरान भाजपा पूर्व मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने कहा कि बाहर से आने वाले व्यक्तियों का सत्यापन किया जाना चाहिए। मसूरी एक शांत प्रिय शहर है और इस प्रकार की घटनाओं से माहौल खराब होता है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने इस मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे शहर का माहौल खराब हो रहा है। इस मौके पर मसूरी व्यापार मंडल रजत अग्रवाल ने कहा कि शहर में इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। जिस तरह की घटना कल घटित हुई वो बहुत ही निंदनीय है और जो थूक जिहाद का जिस तरह का मामला सामने आया है तो निश्चित ही सभी संगठनों द्वारा, बजरंग दल द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा, छात्र संघ द्वारा, विद्यार्थी परिषद द्वारा और सभी सामाजिक संगठनों द्वारा जो है इसका विरोध किया जा रहा है और ये मांग की जा रही है कि आने वाले समय पे सभी जगह वेरिफिकेशन हो। लोग जो यहाँ पे रह रहे हैं, कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं, क्या इनका बिजनेस है, क्या इनकी सोर्स ऑफ फंडिंग है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि कई बार बड़े बड़े किराए देकर लोगों ने यहाँ पर दुकानें ली हैं, मुझे लगता नहीं कि उतनी सेल उनकी वहाँ पे होगी कि उसी दुकानदारी से वो अपने अपना किराया और रहने का और खर्चा निभा पाएँ। तो निश्चित ही सरकार को इसमें जो है बड़ी घटना होने से पहले सचेत होने की ज़रूरत है। अभी कोतवाली में भी सबने ज्ञापन दिया था और वहाँ पर भी जो कोतवाल साहब थे, उनके जो प्रतिनिधि थे, उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि हम बहुत जल्दी ऐसा वेरिफिकेशन निकालेंगे। हमारा कहना यह है कि जितने भी स्लम्स हैं, जहाँ पर भी हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, सबका वेरिफिकेशन होना चाहिए कि कौन व्यक्ति यहाँ पर रहता है, कौन क्या काम करता है और वो जो उसकी आइडेंटिटी है उस आइडेंटिटी का भी वेरिफिकेशन होना चाहिए। क्योंकि जानने में ये भी आया है कि जो आइडेंटिटी कार्ड और जो आधार कार्ड और अदर चीज़ें जो उन्होंने बनाई हैं वो भी फर्जी हैं। तो मैं मानता हूँ कि निश्चित ही प्रशासन इस घटना से जो है कहीं ना कहीं इस चीज़ लेगा और जो कार्रवाई है जिसके लिए सभी संगठन कह रहे हैं कि अतिरिक्त कार्रवाई होनी चाहिए, वो कार्रवाई यहाँ पर होनी चाहिए। क्योंकि मसूरी का जो माहौल है उसको जो है उस तरह से रहना चाहिए जिस तरह से मसूरी में कहीं कोई जाति धर्म, कोई दलगत राजनीति, कोई किसी तरह का कोई भाव नहीं है। लेकिन ऐसी घटना से लोगों के मन में ठेस पहुंचती है। और मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं कि जो सही लोग हैं और जो वास्तविकता मसूरी के रहने वाले लोग हैं, सही लोग हैं, उनको तिल भर भी कहीं चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता उनको करनी चाहिए जो गलत है। बहुत ही सभ्य लोगों की नगरी है और यहाँ पर एक ऐसा प्रकरण होता है जो भारी व्यक्ति द्वारा किया जाता है। तो मेरा तो ये कहना है कि ये लोग कैसे चौक चौराहे पर चाय बेच रहे हैं, क्या पुलिस उनका वेरिफिकेशन नहीं करती है, या स्थानीय जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं उनको शह देकर उनको वहां बैठाने का काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो यहां पूरी मसूरी में जो भारी व्यक्ति हैं और जो ऐसे चाय की दुकानें या कई और व्यापार जो सड़क पर कर रहे हैं, पुलिस द्वारा उनका वेरिफिकेशन होना चाहिए। अगर वो भारी व्यक्ति है तो पहले तो उन पर कठोर से कठोर कदम उठाकर उन्हें यहाँ से बाहर भेजना चाहिए। दूसरी ओर पुलिस को जो ये आरोपी है, इनको जो गिरफ्तार किया गया है, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मसूरी एक शांत शहर है और मसूरी में अगर ऐसा माहौल उत्पन्न होता है तो कहीं ना कहीं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और जो कांग्रेस है इसका पूर्ण रूप से विरोध करती है और ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए कांग्रेस पार्टी भी पुलिस प्रशासन से आग्रह करती है। ये एक निंदनीय घटना है और इस प्रकार की घटना देश भर से कुछ वर्षों से आ रही है, जिससे देश का माहौल खराब हुआ है, हमारे प्रदेश का माहौल खराब हुआ है और बहुत ही दुख की घटना है कि आज ये मसूरी में भी ऐसा हुआ है। और मसूरी के शांतिप्रिय वातावरण में जहाँ सारे धर्म, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सभी लोग मिलजुल कर रहते थे और ऐसे विशेष समुदाय के द्वारा, के व्यक्ति के द्वारा ऐसा अगर करा गया है तो निंदनीय है। हमने पहले भी एक क्षमा याचना मांगी थी जनता से और निवेदन भी किया था कि एक तो किसी पर कोई आरोप बिना किसी पुख्ता सबूत के ना लगाए, लेकिन जिस प्रकार का वीडियो वो आया है उसे साफ दिखता है कि ऐसा एक विशेष व्यक्ति द्वारा ऐसा करा गया, जानबूझकर करा गया। वीडियो जब बनी वो सामने आई है, इससे मसूरी का पूरा वातावरण खराब हुआ है।
लोगों में भाईचारे में आज अब एक दूसरे में लोग उंगली उठा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस तरह की घटनाएं मसूरी का शांत वातावरण खराब करेंगी, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए, सब लोग मिलजुल कर रहे हैं। मैं पुलिस से प्रशासन से निवेदन करूंगा कि सबसे पहले जितने बाहर से आए हुए व्यक्ति इनका वेरिफिकेशन होना चाहिए, इनकी आईडी चेक होनी चाहिए, कहाँ पे रहते हैं, कब से रहते हैं, क्यों आए हैं, क्या इनका देह है और कौन किसने इनको बैठने की अनुमति दी है। ये बहुत बड़ा एक सोचने विषय है। एक विषय और है, पिछले दिनों में अत्यधिक लोग आगे रोड पर बैठ गए हैं। जो स्थानीय व्यक्ति हैं उनको मौका देना चाहिए, अगर मौका नहीं दिया जा रहा तो उन्हें कोई और स्थान देना चाहिए, लेकिन बाहर से आए हुए व्यक्ति को बिठा दिया गया और आज वो युवक जो है यहाँ से फरार हो गया है। ये बहुत ही निंदनीय घटना है, एक सवाल या प्रश्न है प्रशासनिक अधिकारियों पर और पुलिस के आला अफसरों पर, जो मात्र 20 मीटर की दूरी से पुलिस चौकी गीताबगढ़ जो पुलिस चौकी है सबसे बड़ी चौकी है मसूरी की कोतवाली के बाद, उस चौकी के 20 मीटर के अंतर्गत ऐसी कार्रवाई ऐसी घटना हुई है और पुलिस द्वारा उस समय कार्रवाई नहीं करी गई, जबकि शिकायतकर्ता टूरिस्ट ये बता रहा है कि मैंने शिकायत करने का प्रयास करा, किसने सुनी नहीं। तो हमें इस बारे में सोचना पड़ेगा, शहर के वातावरण को बचाना पड़ेगा, प्रदेश को देश को ऐसी घटनाओं से दूर रखना पड़ेगा, तभी ये देश जो है हमारा विकास की ओर बढ़ेगा। आज तहसील कार्यालय पे अध्यक्ष बजरंग दल मसूरी, भारतीय जनता पार्टी, अखिल भारतीय विद्युत विद्यार्थी परिषद, म्युनिसिपैलिटी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मसूरी के संगठनों ने आकर लिखित रूप में ज्ञापन दिए हैं और शहर से संबंधित कुछ विशेष मुद्दों पर इसमें उल्लेख किया गया है, जिसकी हम विधिवत रूप से जांच कराकर फिर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। शहर के सभी लोग हमारे बहुत समझदार हैं, अच्छे लोग हैं, माहौल कोई खराब नहीं है, किंतु यदि ऐसी कुछ संभावना में प्रतीत होती है तो उसको उचित कार्रवाई की जाएगी। मसूरी से धर्मेंद्र सिंह की रिपोर्ट।